हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं करुणा। तो फ्रेंड्स, विंटर्स हो चुके हैं शुरू और दिसंबर के इस मंथ में बहुत ही प्यारा सा फेस्टिवल आने वाला है जो कि है क्रिसमस। तो फ्रेंड्स, यस, आज का ये वीडियो क्रिसमस DIY पर ही है, तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहना मेरे साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया एक प्लेन कार्डबोर्ड और मैं यहाँ पर ग्रीन चार्ट पेपर की हेल्प से क्रिसमस ट्री का बेस बनाऊंगी। मैं यहाँ पे इसको स्टेपल कर लेती हूँ और ये एक्स्ट्रा राउंड को मैं यहाँ से कटिंग कर लूंगी। कार्डबोर्ड की सरफेस के लिए शीट यूज करूंगी मैं, और मैं यहाँ पर ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर की शीट लूंगी जिसकी हेल्प से मैं क्रिसमस ट्री की लीव्स बनाऊंगी। और अब इस तरह कटिंग करके मैं इसमें लेयर्स ऐड करूंगी। ये मैंने यहाँ पर सारी लेयर्स रेडी कर ली है और इसे मैं अब क्रिसमस ट्री के ऊपर ऐसे राउंड शेप में पेस्ट कर रही हूँ। ट्री मेरा यहाँ पर हो चुका है रेडी और अब मैं इसे डेकोरेट करूंगी। मैं यहाँ पर कॉटन की हेल्प से छोटी छोटी बॉल्स बनाऊंगी और उसके ऊपर कुछ स्टार पार्टिकल्स को पेस्ट करने वाली हूँ। आप डेकोरेशन के लिए कुछ भी यूज कर सकते हो, मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैं इसे यूज करूंगी। मैंने येलो कलर के चार्ट पेपर से एक छोटा सा स्टार भी बनाया और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये मैंने कुछ गिफ्ट बॉक्स भी बनाए हैं, चार्ट पेपर की हेल्प से ही बनाए हैं और ये देख सकते हो आप कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और अब मैंने यहाँ पर ली है एक रेड कलर की शीट और जिसे मैं फोर साइड फोल्ड करने वाली हूँ और मैं इसके एक पार्ट को कट कर लूँगी। और अब मैं इसे बिल्कुल सेम जैसे मैंने क्रिसमस ट्री का बेस बनाया था वैसे ही बना के स्टेपल करके कट कर लूँगी। और अब मैं इसी तरह दो छोटे साइज के कोन भी रेडी कर लूँगी। और अब मैं एक वाइट पेपर की स्ट्राइप को कट करके इसको इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। सेम मैं तीनों कोन पे ऐसे ही पेस्ट करूँगी। और अब मैं एक छोटी स्ट्राइप इस तरह भी लगाऊंगी। और अब मैं पेपर की एक इस तरह की शेप कट करके, जिसे आप वाटर ड्रॉप शेप भी कह सकते हो, इसे ऐसे मैं इस तरह से पेस्ट कर दूंगी। और यहाँ पर ये मेरा प्यारा सा सेंटा क्लॉज बन गया है। और अब मैं साथ ही साथ स्नोमैन भी बना लूंगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर कॉटन बॉल्स लूंगी और उन्हें एक साथ पेस्ट कर लूंगी। मैंने यहाँ पर स्नोमैन की छोटी छोटी आईज बनाई है और ये पेपर की हेल्प से काजल वाली नोज बनाई है। एक मफलर पहना देती हूँ मैं अपने स्नोमैन को और ये रेडी है। और अब ये जो मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड लिया था, अब मैं इसकी बाउंड्रीज बनाऊंगी। बाउंड्रीज के लिए मैं यहाँ पर ब्राउन पेपर का यूज करूंगी, उसे मैंने थोड़ा फोल्ड कर लिया है और मैं इसको इस तरह से पेस्ट करने वाली हूँ। और अब मैं यहाँ पर ग्रीन चार्ट पेपर की हेल्प से बाउंड्री बनाऊंगी और मैं यहाँ पर छोटा छोटा स्नो इफेक्ट भी बना देती हूँ। एंड दिस इज हाउ इट्स लुक नाउ। और अब मैं मेरे प्यारे से क्रिएटिव एलिमेंट्स को अरेंज कर लेती हूँ और इसको पेस्ट कर लेती हूँ। और ये यहाँ पर मेरा फाइनल क्रिसमस DIY रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पर मैरी क्रिसमस भी और मेरे चैनल का भी लोगो लगाया है। और फ्रेंड्स, अब आप लोग मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये मेरा DIY कैसा लगा। फ्रेंड्स, आप लोग भी इसे जरूर अपने घर पर बनाना, आप लोग को बहुत मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड मैरी क्रिसमस।